महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर जिला सामान्य अस्पताल का दौरा किया और घटना का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अधिकारियों से बात करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर संदीप कदम, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मोन, जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, जिला सर्जन डॉक्टर प्रमोद खांटे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कुरसंगे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत उइके, महिला एवं बाल विकास अधिकारी विजय नंदागौली, महिला आर्थिक विकास निगम के समन्वयक प्रदीप कैथोले, बाल विकास परियोजना अधिकारी राहुल निपसे और विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। ठाकुर ने कहा कि जिला कलेक्टर से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली गई। पूरी घटना की जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों, विद्युत निरीक्षकों, VNIT राष्ट्रीय अग्नि इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञों, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों आदि की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। उनकी रिपोर्ट जल्द ही जिला कलेक्टर को प्राप्त होगी। इंद्रमालो आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ने आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारा को पत्र भेजकर माताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और ANM द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। पत्र ने तुरंत आयुक्तालय को एक रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है कि इस घटना में मरने वाले बच्चों के संबंधित अस्पताल में क्यों भर्ती कराया था। ऐसा है कि भंडारा में जो दुर्घटना घटी है, बहुत ही दिल दहलाने वाली ऐसी ये घटना है, उसका उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ऑर्डर दे दी है, उसकी इंक्वायरी होंगी और इंक्वायरी में जो भी दोषी पाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई राज्य शासन करेगा। सर, ऐसी चर्चा है भंडारा में कब तक FIR तक दर्ज नहीं हुआ है, भंडारा में केस को FIR तक दर्ज नहीं की गई। ऐसा इन्वेस्टिगेशन आने के बाद में, पहले तो ऐसा है कि नेशनल फायर कॉलेज जो वहाँ पे ये जो अंगार लगी वो किस प्रकार लगी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, VNIT भी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये सबके रिपोर्ट आएंगे। और उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी माननीय डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई है उसका भी रिपोर्ट आएगा, और उसका रिपोर्ट आने के बाद में फिर किसके ऊपर FIR दाखिल करना है, किसकी गलती थी, किसके गलती के कारण या किसके लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना घटी, ये सब रिपोर्ट आने के बाद में उसके ऊपर राज्य शासन कड़ी कार्रवाई करेगी। राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़, नागपुर।